बड़ी खबर रायबरेली से, जहां इटौरा कांड का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। इस पर 5 लोगों की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। 26 जून को अपटा गांव में 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और समाचार प्लस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तो लगातार यहां पर दबाव बन रहा था। इस मामले में कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री ने भी नाराजगी जताई थी। तो अब जाकर यहां पर एक कामयाबी मिली है, जो मुख्य आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और 26 जून की घटना के बाद आज ही गिरफ्तारी हो पाई है। और रायबरेली से अगली खबर भी है। कैबिनेट मंत्री के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरकर हाईवे जाम कर नारेबाजी की। आत्मदाह का प्रयास भी किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की गई। ऊंचाहार थाना क्षेत्र में 5 हत्याओं का मामला है। आरोपियों की मदद करने का कैबिनेट मंत्री पर लगातार आरोप लग रहा है। तो जैसा हमने अभी आपको बताया इस मामले में बड़ी खबर की, अब जाकर जो मुख्य आरोपी से गिरफ्तार किया गया है। तो 26 जून को घटना हुई थी, 5 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, लेकिन सख्ती से कार्रवाई नहीं हो रही थी और स्वामी प्रसाद मौर्य पर यहां आरोप लग रहा है लगातार कि वो आरोपियों को बचाने में जुटे हैं। तो ऐसे में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ कि उन्हें पार्टी से बर्खास्त किया जाए। तो मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया था इस घटना का और तब जाकर पुलिस थोड़ा सा यहां पर सक्रिय हुई है और जो मुख्य साजिशकर्ता है उसे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि जो भी आरोपी है जो यहां पर इस हत्या में शामिल है उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और अपनी ही सरकार के अफसरों से नाराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात का आज दिन तय है। गाजीपुर के जिलाधिकारी की कार्यप्रणाली को लेकर नाराज है। उनका कहना है कि जिलाधिकारी अब भी पिछली सरकार के ही ढर्रे पर चल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिलाधिकारी लोगों की मदद करने के बजाय धमकी देते हैं कि जिसे जो करना है कर लो, लेकिन उनको यहां से कोई हटा नहीं सकता है। तो ऐसे में मोर्चा खुला जिलाधिकारी के खिलाफ और कल से धरने पर बैठने का ऐलान भी कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर पर कहना है कि जिस उम्मीद के साथ सत्ता परिवर्तन किया गया था वो उम्मीद जनता की पूरी नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी कि भ्रष्टाचार दूर भगाना है और आम आदमी को बहुत ही सुलभ जो उनको दौड़भाग करना पड़ता है अपनी समस्याओं को लेकर, तुरंत समस्याओं से निजात दिलाना है, बेहतर शासन लेना है, बेहतर प्रशासन लेना है। सबसे ज्यादा तो इस सरकार में जो उम्मीद लेकर के लोगों ने सपा बसपा को किनार करके वोट दिया था, जो बड़ी संख्या में पिछड़ी जाति के लोगों ने वोट दिया था, वो आज बहुत चिंतित हैं लोग कि अब हम क्या करें, हम किसके यहाँ जाएं, कहाँ सुनवाई करें। कोई वहां से थाने की समस्या लेकर के डिप्टी सीएम के यहाँ मिल रहा है, कोई सीएम के यहाँ मिल रहा है, कोई हम लोगों के यहाँ आ रहा है, हमारे मिनिस्टर से मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं जो अफसरशाही है, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको सरकार की चिंता नहीं है, उनको अपनी चिंता है, वो अपने काम में लगे हैं। जो पिछले 15 सालों में जो काम किए हैं उस काम में कुछ ऐसे अफसर हैं लगे हुए। आप कैबिनेट मंत्री हैं यूपी सरकार में, आपने समर्थन भी दिया भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई है, तो सुनने में ये आ रहा है कि आप लोगों के भी नहीं अफसर सुनते हैं, कि एक जिले के डीएम तक आप लोगों की बात नहीं मानते हैं। हम तो 4 तारीख को गाजीपुर जनपद के डीएम जो 20 महीने से बैठा हुआ है जिले में, और सपा के राज में भी वो डीएम था, और आज वो कह रहा है कि हमारा सपा में कोई नहीं बिगाड़ पाया तो भाजपा में क्या बिगाड़ पाएगा, ये शब्द वो डीएम बोल रहा है। तो उसके खिलाफ ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, आम जनता और मेरे विधानसभा से भी बड़ी संख्या में लोग उपेक्षित हैं उनसे, और 2 दर्जन से ज्यादा जनहित की समस्या मैंने बताया और एक भी नहीं किया। वो शुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहा है, तो उसके लिए 4 तारीख को जिला मुख्यालय पे धरना होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस समय जो अफसरशाही है वाकई बेलगाम है, जिसका जीता जाता उदाहरण एक मंत्री की बात से साफ सामने आया है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से दूसरी सरकारों में अफसरशाही बेलगाम रही, क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन में इन अफसरों को रोक पाएंगे जो बड़े बड़े दावे करके आज सत्ता में बैठे हुए हैं। कैमरामैन अमित साहनी के साथ संकेत मिश्रा, समाचार प्लस, लखनऊ। और प्रतापगढ़ में योगी सरकार के एक मंत्री को अपने शब्दों की मर्यादा का, शब्दों की सीमा का ख्याल ही नहीं रहा और विवादित बयान दे दिया कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने। उन्होंने कहा कि विधायक ने अगर 15 दिन में काम नहीं किया तो 15 दिन के बाद उनके मुंह पर काली पोत दो। अपना दल और बीजेपी के विधायकों के खिलाफ ये बयान दिया है। अपना दल के कोटे से सरकार में मंत्री मोती सिंह और मोती सिंह से ही ब्लॉक प्रमुख ने अपनी जान को खतरा भी बताया है।
तो अपने शब्दों के जरिए एक बार फिर से विवादों में आ गए। दरअसल जनता की शिकायत थी कि यहाँ पर काम नहीं हो रहे हैं, तो अति उत्साहित मंत्री ने यहाँ पर कहा कि इस इलाके के जो 3 विधायक हैं, अगर 15 दिन में भी आपका काम पूरा करके ना दें तो उनके चेहरे पर काली हो दो। प्रतापगढ़ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने ये सलाह दी आम जनता को। अगर 15 दिन और जीते तो मजरंगा के विकास अगर हमारे आर के वर्मा में कहे, संगम लाल में कहे, अगर धीरजों में कहे, ये तीनों जने आवे जिनके मोहन कैसा पोत जाता वे लोग बिना वो जाए जी। जिस साइकिल ट्रैक को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी साइकिल को 2019 तक पहुंचाना चाहती थी, 2017 का रण जीतना चाहती थी, फिलहाल उस पर वर्तमान सरकार की टेढ़ी नजर पड़ गई है। नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना का बयान सामने आया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो साइकिल ट्रैक बनाए गए वो सब अब टूटेंगे। जी हाँ, अखिलेश सरकार में साइकिल ट्रैक को बनाया गया था, लेकिन इन्हें अब जल्द तोड़ा जाएगा। सुरेश खन्ना से साइकिल ट्रैक के जरिए हो रहे अतिक्रमण पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने दो गुण जवाब देते हुए कहा कि ये सरकार जल्द ही साइकिल ट्रैक को किनारे से हटवाएगी। तो आपको बता दें कि राज्य में कई जगह कई कई किलोमीटर साइकिल ट्रैक बनाए गए और उस वक्त समाजवादी सरकार ने कहा कि इस तरह के ट्रैक बनाने से पर्यावरण की भी रक्षा होगी और सड़क में भी यातायात व्यवस्थित होगा, लेकिन अब इस पर वर्तमान सरकार वक्र दृष्टि गढ़ाए हुए है। उसको तोड़वाएंगे जब जब जल्दी तोड़वाएंगे। बरेली में किसी खास फसल के अगर इशारा हो तो तोड़वाओ, आज ही आदेश कर देंगे। पिछली सरकार की जहां कई योजनाएं और काम अब घोटालों के घेरे में हैं, वहीं अखिलेश यादव का साइकिल ट्रैक भी अब इससे अछूता नहीं होगा। भाजपा सरकार के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने यह बयान देते हुए साफ कहा है कि अब साइकिल ट्रैक की भी जांच ही नहीं होगी, बल्कि जिन इलाकों में साइकिल ट्रैक इस तरह बनाए गए हैं जहां रोडें सक्रिय हो गई हैं, वहां साइकिल ट्रैक का ध्वस्तीकरण भी किया जाएगा। निश्चित तौर पर अखिलेश सरकार की सभी योजनाओं के साथ साथ अब साइकिल ट्रैक भी पूरी तरह न सिर्फ जांच के घेरे में होगा, बल्कि साइकिल ट्रैक शहर के कई इलाकों से हटता हुआ भी नजर आएगा। देखना होगा कि इस तरह की कार्रवाइयां कब तक शुरू होती हैं और इस पूरे घोटाले में कौन आखिर मुख्य आरोपी बनकर सामने नजर आता है। कैमरामैन अमित सहानी के साथ अभिषेक सिंह, लखनऊ, समाचार प्लस। गाजियाबाद में बीजेपी पार्षद सीमा यादव के पति संतराम यादव की दबंगई का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बीजेपी पार्षद का दबंग पति थाने में ही पुलिस के सामने पीड़ित को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। ये हंगामा हो रहा है विजय नगर थाने में। यहाँ बैठे हैं बीजेपी पार्षद सीमा यादव के पति संतराम, साथ ही बगल वाले सीट पर बैठे हैं पीड़ित मकान मालिक अरुण। बीजेपी नेता संतराम यादव पर आरोप है कि इन्होंने विजयनगर के प्रताप विहार इलाके में अरुण यादव के जीडीए फ्लैट पर जबरन कब्जा कर रखा है। संत यादव पर अरुण को धमकाने और मारपीट के भी आरोप हैं। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण थाने में ही मिल गया जब अरुण इस बात की शिकायत करने थाने पहुंचे थे। बीजेपी नेता की गुंडागर्दी, विजयनगर में अवैध कब्जे का आरोप, अरुण यादव के फ्लैट पर किया कब्जा, अरुण यादव को धमकाने मारपीट के आरोप। तो ये है बीजेपी के राज में बीजेपी नेता की दबंगई। दबंगई इतनी कि थाने के भीतर ही पुलिस के सामने ही पीड़ित को धमका रहे हैं, देख लेने की धमकी दे रहे हैं और पुलिस है कि मूक दर्शक बनी हुई है। अरुण को अपने ही घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। मकान की मरम्मत के लिए जब वो अपने घर पहुंचे तो पार्षद पति ने कई और लोगों के साथ मारपीट की और सभी के पास घातक हथियार भी था। पिछले
फ्लैट है, ये ऊपर वाला फ्लोर है मेरा, अरुण यादव नाम है मेरा फ्लैट है, इसमें संतराम यादव जो अपने आप को पार्षद पति बताता है, ये घुमा के किस्म का आदमी है, इसने पहले भी जाकर समाज के लोगों की जमीन पे कब्जा किया था, जिसमें इसके खिलाफ प्लस जो एसओ विजयनगर रहे थे उनके खिलाफ भी FIR हुई थी। इसका यही पेशा है, ये ऐसे जमीनों को कब्जा करता है। पार्षद के पति का नाम ही सिर्फ संतराम है, लेकिन काम दुर्जनों जैसा है। संतराम पर कई और केस चल रहे हैं और वो स्थानीय मीडिया की सुर्खियां भी बटोर चुका है। पुलिस भी बीजेपी नेता के सामने बेबस नजर आ रही है और मामले को कोर्ट में लंबित होने का हवाला दे रही है। थाना विजयनगर में एक विवादित मकान है जिसके ऊपर पहले लोकल कोर्ट पर, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर, अभी हाई कोर्ट में लंबित है। तो हाई कोर्ट में इस मकान के ओनरशिप को लेकर कोर्ट में चल रहा है। तो उसी मकान में एक व्यक्ति रिपेयर कराने गया हुआ था, तो उस रिपेयर कराने गया तो दूसरी पार्टी जो लोकल पार्षद हैं, उनके पति हैं, इनके द्वारा कुछ विवाद किया गया, आपस में दोनों के बीच में मारपीट हुई, तो पुलिस ने गिरफ्तार करके उनको हम प्रिवेंटिव सेक्शंस में जेल भेज रहे हैं। देश में बीजेपी नेताओं की दबंगई का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई नेताओं पर गुंडागर्दी के आरोप लगते रहे हैं और सनसनीखेज वीडियो भी सामने आते रहे हैं। लगता है बीजेपी के कुछ नेताओं पर सीएम योगी की नसीहत का कोई असर नहीं पड़ रहा है। समाचार प्लस के लिए गाजियाबाद से बदीउस जमा की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के खलीलाबाद में बखीरा कस्बे के सैकड़ों बर्तन कारीगर और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने ही सांसद शरद त्रिपाठी की शव यात्रा निकाली और जमकर नारेबाजी की। कारीगरों ने सांसद पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी क्लस्टर योजना में घपलेबाजी कर अपने रिश्तेदारों को ही मैनेजर बनाकर सारा खेल कर रहे हैं। बर्तन कारीगरों ने प्रधानमंत्री से सांसद शरद त्रिपाठी को हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि बर्तन कारीगरों को कच्चे माल के साथ उत्पादन की सही कीमत दिलाने के लिए क्लस्टर योजना के तहत एक इकाई का गठन किया गया था, जिसके मैनेजर के पद पर सांसद के रिश्तेदार की नियुक्ति होने से बर्तन कारीगर खुद को ठगासा महसूस कर रहे हैं और इसी बात को लेकर सड़कों पर उतर आए। भाजपा के सांसद खलीलाबाद के शरद त्रिपाठी का पुतला निकाले हैं और शव यात्रा उनकी निकाले हैं शरद त्रिपाठी की। हमारे वहाँ खलीलाबाद में स्मृति ईरानी की आई थी, बखीरा के नाम से बखीरा वालों को जो है एक स्पेशल कलेक्टर की घोषणा करके गई, जिले स्पेशल कलेक्टर लेकर के गई, लेकिन शरद त्रिपाठी जो है बीच में आकर के हमारे कलेक्टर को हड़प रहा है और अपने रिश्तेदार मेदावल का जो है कैलाशनाथ त्रिपाठी उसको उसका मैनेजर बना रहा है। और बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर जो अपनी ही सरकार से नाराज है, मुख्यमंत्री से मिलने NXC पहुंच गए हैं। गाजीपुर के जिलाधिकारी की कार्यप्रणाली को लेकर दरअसल ये नाराज हैं और इसको लेकर ही मुख्यमंत्री से मिलने का आज कार्यक्रम था। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए NXC पहुंच चुके हैं यहाँ पर और उनकी मांग यही है कि राज्य में जिस तरह से नौकरशाही बेलगाम हो रही है उस पर नकेल कसी जाए। उन्होंने कहा कि जो जिलाधिकारी हैं गाजीपुर के, वो दरअसल पिछली सरकार के दौरान से ही काफी दबंगई दिखाते हैं और नई सरकार में भी उनके काम करने का तरीका, उनका रवैया नहीं बदला है। तो इसी बात से ओम प्रकाश राजभर नाराज हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जिन उम्मीदों के साथ जनता ने बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर रही है। और साथ ही कल से धरने पर बैठने का ऐलान भी मंत्री राजभर कर चुके हैं। तो ऐसे में मुलाकात आज होनी थी। बड़ी खबर यही है कि इस वक्त मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं मंत्री राजभर NXC में। बागपत में एक बार फिर से गैंग वॉर ने दस्तक दे दी है। राहुल उर्फ चोटी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है और कुख्यात सचिन नंदा गैंग का सदस्यता राहुल उर्फ चोटी हत्या, लूट और रंगदारी से कई आपराधिक मामले इस पर दर्ज थे। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। कोतवाली बागपत के बली गांव में इस गैंग वॉर को अंजाम दिया गया। तो इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरह से पुलिस महकमा सतर्क है कि क्या एक बार फिर से गैंग वॉर का सिलसिला शुरू होने वाला है। और गैंग वॉर की दस्तक बागपत में जहां पर हुई, वहां राहुल उर्फ चोटी को गोलियों से भून कर मौत के घाट उतार दिया गया। अगर राहुल उर्फ चोटी की बात की जाए तो ये खुद भी सचिन नंदा गैंग का सदस्य था और इस पर कई सारे हत्या और रंगदारी लूट के संगीन मुकदमे दर्ज थे, कई आपराधिक मामले इस पर दर्ज थे। तो सीधे तौर पर इसे गैंग वॉर से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोतवाली बागपत के बली गांव में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बुलंदशहर में 26 जून को बीजेपी नेताओं की सियाना की सीओ श्रेष्ठा सिंह से बहस के बाद सीओ का तबादला किया गया पहले, तो वहीं इसी मामले से जुड़े होने के बाद सियाना के एसओ कौशलेंद्र यादव को भी आनन फानन में चार्ज से हटाकर
बुलंदशहर एसओजी भेज दिया गया है। हालांकि हाथापाई के मामले में दो पुलिस अधिकारियों को पहले ही ट्रांसफर की सजा सुनाई जा चुकी है। मामला बीजेपी से जुड़ा है तो अधिकारी भी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो आपको बता दें कि मामला उस वक्त सामने आया था जब बीजेपी नेताओं को ट्रैफिक के नियम तोड़ने के बाद यहां पर कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। और इसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से श्रेष्ठा ठाकुर का तबादला कर दिया गया, उन्होंने बाकायदा अपने फेसबुक पेज पर भी लिखा कि उन्हें ईमानदारी से काम करने की सजा मिली है, उन्हें बहराइच में नेपाल के बॉर्डर पर भेज दिया गया है। वहीं अब एक और घटना सामने आई है, एक और कदम यहां पर उठाया गया है जिससे साफ हो रहा है कि हाँ, बीजेपी राज में भी ईमानदार अफसरों को फिलहाल सही माहौल नहीं मिल पा रहा है, उन्हें भी ईमानदारी का इनाम इसी तरह मिल रहा है। और तबादलों के नाम पर घोटालेबाज अधिकारी इंजीनियर्स को बचाने का खेल एलडीए में चल रहा है। जी हाँ, 14 अरब की घपलेबाजी करने वाले अधिकारियों को बचाने के लिए प्लान ट्रांसफर यहाँ पर लागू किया जा रहा है, यानी कि तबादला उनका किया जा रहा है ताकि उन पर घोटाले में जो कुछ आरोप लगे हैं उनसे उन्हें बचाया जा सके। बात करें घोटालेबाज जिलाधिकारी कटियार की तो उनकी एलडीए में फिर से वापसी हो गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में पोस्टिंग हुई, जबकि इससे पहले जब वो 10 साल तक विकास प्राधिकरण में थे तो जमकर घोटालेबाजी उन्होंने की थी। संयुक्त सचिव की पोस्ट पर उन्हें तैनात किया गया है। लेकिन सवाल यही भी है कि नगर पालिका के कर्मचारी की प्राधिकरण की तैनाती के विरुद्ध है, तो डीएम को यहाँ पर आखिर किस तरह से, किस नियम के आधार पर तैनात किया गया। तो नगर पालिका का कर्मचारी है डीएम कटियार जो है वो नगर पालिका का कर्मचारी है, लेकिन सवाल यही है कि जिस पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों उन्हें किस आधार पर, किसके प्रभाव में आकर फिर से एलडीए में वापस लाया गया। एलडीए वीसी पीएन सिंह ने कई इंजीनियर्स पर कार्रवाई के पत्र लिखा था, लेकिन डीएम कटियार को एक बार फिर से यहां वापस बुला लिया गया। गाजियाबाद से खबर है जहां पुलिस ने दो सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। हत्या करने के लिए आए थे गाजियाबाद में, लेकिन इससे पहले कि अपने मंसूबों में कामयाब होते पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। और आपको बता दें कि इन दो सुपारी किलर्स पर पहले ही दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाली इलाके से गिरफ्तारी हुई है, दो देसी तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस और एक कार इन दोनों के पास से बरामद की गई है। तो पुलिस फिलहाल ये तो खुलकर नहीं बता रही है कि आखिर किसकी हत्या की सुपारी इन्होंने ली थी, लेकिन इतना जरूर बताया है कि मोबाइल के कारोबार से जुड़े किसी शख्स को यहां पर मारने के लिए दोनों आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में अपराधियों की तूती बोल रही है, कहीं गला काटकर हत्या की जा रही है तो कहीं बीजेपी नेता से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है। और इतना ही नहीं, ना देने पर जान से मारने की धमकी भी अपराधी दे रहे हैं। मामला झंगा थाना क्षेत्र के राघोपट्टी पडरी गांव के ग्राम प्रधान और पूर्व बीजेपी जिला महामंत्री अजय यादव उर्फ मंटू यादव के जुड़ा हुआ है, जिनसे फोन पर किसी ने बातचीत की है, 5 लाख की रंगदारी मांगी है और नहीं देने पर गोली मारकर जान से मारने की धमकी भी दी है। हालांकि बीजेपी नेता ने झंगा पुलिस में लिखित सूचना दे दी है। बात फोन आया 11:30 बजे के लंबे, उन्होंने कहा कि मैं मनीष बोल रहा हूँ। हमने कहा कौन मनीष, तो कहा कि ऐसा मनीष का नाम नहीं जानते हैं और पता कर लीजिएगा, 5 लाख रुपए एक हफ्ते के अंदर दे दीजिएगा, नहीं तो आपकी हत्या कर दी जाए। रायबरेली के जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार श्रीवास्तव का तबादला होने के बाद भी कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। हद तो उस वक्त होगी जब नए जिला विद्यालय निरीक्षक को चार्ज लेने से रोक लिया और इसके लिए बकायदा DIOS डिस्पैच रजिस्टर लेकर ही गायब हो गए। यही नहीं, उन्होंने नए DIOS को फोन करके चार्ज ना लेने की नसीहत दे डाली, लेकिन नए DIOS गिरधारी लाल कोहली भी नहीं माने और चार्ज लेने के लिए पहुंच गए। जब उन्होंने बाबू से डिस्पैच रजिस्टर मांगा, पहले तो बाबू टालमटोल करने लगे, लेकिन जब नए DIOS ने मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दी तब बाबू के हाथ पांव फूल गए और जिलाधिकारी को बताया कि डिस्पैच रजिस्टर तो DIOS अपने घर ले गए हैं, जिसके बाद DM ने बाबू को फटकार लगाई और नए रजिस्टर मंगाकर नए DIOS को ज्वाइन कराया। बाहर से आ गया 500 किलोमीटर दूर से, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा, यही कार्य करूँगा। शासन में से भेजा है, निश्चित रूप से जो करना है निवार सर, मुझे शासन में भेजा, मैं आ गया वही आदेश का पालन करने के लिए। मेरे विचार से उन्हें भी शासन के आदेश का पालन करना चाहिए। नहीं, चार्ज नहीं दे रहे थे, इसको लेकर कहीं पर शिकायत करती है कुछ, आपने किसी से बात की इसको लेकर? नहीं, मैंने शासन में बात की, शासन में बात की DM साहब को, उन्होंने DM साहब इसमें दौरे पर हैं, हमें DM साहब पे जा रहा हूँ, रेजिडेंस पर जा रहा हूँ। और मेरठ से खबर है जहां महिलाओं ने एक सराफा की दुकान से चोरी की घटना को अंजाम दिया। बुर्का नशीब महिला थी, बुर्का पहनकर आई थी और चोरी की घटना को अंजाम दे रही थी, लेकिन ये भूल गई कि इनकी जो ये हरकत है, जो ये करतूत है, दरअसल वो वहां लगे कैमरा अपनी आंखों में कैद कर रहा है।
दुकान से लाखों के जेवरात उन्होंने चुरा लिए। ग्राहक बनकर यहाँ पर आए और इसके बाद यहाँ से गहने चुरा कर रफू हो गए। महिला चोरों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। गंगानगर थाना इलाके के कसेरू बक्सर की घटना, तो बुर्का पहनकर ये महिलाएं यहाँ पर आई थी और गंगानगर थाना क्षेत्र के कसेरू बक्सर के इलाके में जो सुनार की दुकान है वहाँ चोरी की घटना को अंजाम दिया। आप देख सकते हैं कि शातिराना तरीके से गहने छिपाए जा रहे हैं। एटा में डायल 100 के हेड कांस्टेबल को ट्रक से कुचलने की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना बागवाला थाना क्षेत्र के मंडी समिति के पास की है। बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल चंद्रपाल शर्मा ने ट्रक को रोकने के लिए हाथ दिखाया तो ट्रक ड्राइवर ने हेड कांस्टेबल को कुचलने का प्रयास किया, जिसके बाद सड़क में बुरी तरह जख्मी हो गए हेड कांस्टेबल और एक पहिया उनके पांव से गुजर गया। लोगों पर यहां मौके पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने ट्रक ड्राइवर के हेल्पर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। जो घायल हेड कांस्टेबल है उनका इलाज चल रहा है। क्या मैं मोटरसाइकिल में बागवाला पीआरबी 1955 पे कार्यरत हूँ और मैं छुट्टी लेने के लिए ऑफिस जा रहा था तो एक मोटरसाइकिल के लिए मोटरसाइकिल मंडी से इधर आने पे मोटरसाइकिल वाले को इसने पहले तो बीच में इसने रुक खड़ा कर दिया और वो साइड से मोटरसाइकिल वाला निकाल रहा है। इसने बहुत तेजी से आगे चला दी और जो मोटरसाइकिल वाला इधर गिर गया, पहिया बिल्कुल हमारे ऐसे निकल गए।